Can I be your superhero? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं ये गुस्ताखी करने लगी हूँ अलबेक और ताजिश का आपस में करने लगी हूँ कंपैरिजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इन दोनों की कोई ख़तरनाक किस्म की फ़ैन नहीं हूँ, बस कभी कभार क्विक ऑप्शन के तौर पे इन्हें ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन जब से मैं सऊदी अरब आई हूँ मुझे ताजिश और अलबेक के मिक्स फैंस मिले हैं। कभी कोई कहता है अलबेक में वो बात नहीं रही और कभी कोई कहता है कि कभी कोई ताजिश को फेवर कर जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों ब्रोस लाती हूँ और आपके सामने बैठ के इनको टेस्ट करती हूँ और अलबेक और ताजिश से जुड़ी हर एक चीज़ का रिव्यू करते हैं। तो बस चले चलते हैं। ये मेरे पीछे आप लाल हवेली देख रहे हैं, ये शेख रशीद की है, मजाक कर रही हूँ। तो बस चले चलते हैं, सो लेट्स गो। खतरनाक किस्म की खुशबू ब्रोस्ट की फैल रही है कि सब्र नहीं हो रहा। तो बस अब ताजिश चलते हैं, ताजिश लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूं, अलबेक एक वाह अनोखा ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने अब तक डाइनिंग अलाउ नहीं की। मतलब जद्दा के मोस्टली रेस्टोरेंट्स ने डाइनिंग अलाउ कर दी। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, मैं जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, बट अलबेक ने अब तक अलाउ नहीं किया। पता नहीं इसके पीछे क्या उनका रीज़न है, क्या उनसे रश कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अलबेक पे लोग पागल हुए हुए होते हैं, दूर दूर तक लंबी कतारें लगी होती हैं। जैसे मैंने उतरते ही कहा कि मबरुक मबरुक, आज तो हमें अलबेक के सामने ही पार्किंग मिल गई है। तो पहले मेरा ये व्लॉग जाके खा के बनाने का इरादा था, लेकिन हम लास्ट वीक गए थे और मेरा दिल टूट गया। उन्होंने कहा अलाउ नहीं है। मैं इतने तामझाम से गई थी तैयार शार होके पूरे व्लॉग की नीयत से, पहले मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि मैं इस खुशफहमी में थी कि अलाउ होगा बट नहीं था। तो खैर ऑल्टरनेट ऑप्शन बहुत होते हैं, कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो बस अब ताजिश चलते हैं, वहाँ से लेते हैं और फिर रिव्यू करते हैं, लेट्स गो। अभी मैं आ गई हूँ ताजिश, तो बस अंदर चलते हैं और ताजिश से लेते हैं ब्रोस्ट। और साई ने कहा है कि उन्हें खाने हैं राइस, तो महाराजा लूँ कब्सा लूँ वो थोड़ा मैं सोच लेती हूँ। मैं अंदर वीडियो बना रही थी तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ममनू ममनू ममनू, मैंने कहा आना यूट्यूबर। तो बस ले लिया। इसकी खुशबू भी ऐसी जाली मारी, स्पेशली राइस की, ये खुल क्यों नहीं रहा। चलते हैं घर चल के इनको फोड़ते हैं और इनका रिव्यू करते हैं। ये है अलबेक की पार्टी और ये है ताजिश की पार्टी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दिल थाम के बैठ जाएं। अलबेक है 14 रियाल का और ताजिश है 15 रियाल का, सिर्फ 1 रियाल का फर्क है, 1 रियाल। तो पहले अलबेक ट्राई करते हैं। सेफ्टी सील लगी हुई है, पहले इसको खोलते हैं। दिख रही होगी आप लोगों को, बेसब्री हुई है। सो ये है अलबेक, ये केचप, वेट टिश्यूज और सॉस, ठीक है। पहले इसको भी निकाल के रख लेते हैं ताजिश को। ताजिश के साथ आई हैं ये सॉस, ये केचप, ये ब्रेड और ये है ताजिश का ब्रोस्ट। ये रखें, ये है ताजिश की गार्लिक सॉस और ये है अलबेक की गार्लिक सॉस। सॉसेस के मामले में हम बड़े थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं ब्रोस्ट के, जब ब्रोस्ट हम लेते हैं। तो पहले हम अलबेक ट्राई करते हैं। सारे पैसे ही इस सॉस के। जो जालिम खुशबू आ रही थी गाड़ी में, सबर नहीं हो रहा था कि बस जल्दी से घर पहुंचे और ट्राई करें।
वाओ। और अलबेक के सॉस के तो क्या कहने। अब हम ट्राई करते हैं ब्रोस्ट, मेरा फेवरेट पीस, लेग पीस। वाओ, आप अंदर की फीलिंग चेक करें इसकी, क्या फीलिंग हुई हुई है इसके अंदर, बेस्ट फीलिंग हुई हुई है। अंदर भी इन्होंने कुछ सॉस वगैरह लगाई हुई होती है। जो ऊपर की स्किन होती है ना, मेरा फेवरेट पार्ट है ये। अब हम इसको ब्रेड के साथ टेस्ट करते हैं। ये है ब्रेड जो अलबेक के अंदर से निकली और एक्स्ट्रा भी आई है। गाड़ी में मुझसे सबर ही नहीं हो रहा था। वाह, ठीक है, अब हम ताजिश ट्राई करते हैं। ये है ताजिश की सॉस। बिस्मिल्लाह, दोनों ब्रोस्ट में स्पाइसी लेकर आई थी। ये है ताजिश की फ्राइज। जो फ्राइज अलब्रेक की विन कर गई हैं। तो ये है ताजिश की ब्रेड जो कि मैं निकालने लगी हूँ। ये है ताजिश की ब्रेड जो कि थोड़ी अकड़ गई है, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं चबा सकते और थोड़ी तोड़ने में भी मुश्किल हो रही है। इसमें लेग कहाँ है, ये रहा लेग। इसके अंदर भी मैरिनेशन हुई हुई है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा स्पाइसी है। अलबेक का भी मैंने स्पाइसी लिया था, बॉक्स पे लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना स्पाइसी नहीं था, ये थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है। तब हम इसको ब्रेड के साथ टेस्ट करते हैं। ताजिश की सॉस भी अच्छी है मगर अलबेक की ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा थोड़ा खा दूं, आप लोग बोलेंगे इतनी क्या नदी दी है। जब भी हम ब्रोस्ट लाते हैं गार्लिक सॉस भर भर के लाते हैं, तो इसलिए केचप हमारी खोलनी नहीं होती। तो ये है ताजिश का लेग, ये है अलबेक का लेग यानी चिकन का लेग। भले टेस्ट के मामले में, फ्राइज के मामले में, यानी कि जो अलबेक का ब्रोस्ट है, अलबेक की जो ब्रेड है, अलबेक के जो फ्राइज हैं और जो अलबेक की सॉस है, वो भले ही हर मामले में विन कर रहे हों, लेकिन अलबेक खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करती हूँ, हैवी अपने पेट को फील करती हूँ। कल तक मुझे भूख ही नहीं लगती, क्योंकि मोस्टली हमारा रात में खाना होता है अलबेक। तो जब भी मैं खाती हूँ तो मैं साईं को कहती हूँ कि ना मेरा नाश्ते का दिल कर रहा है, ना ही मेरा लंच का दिल कर रहा है, यानी कि 2 बजे तक, दोपहर तक मुझे भूख ही नहीं लगती। लेकिन जब मैं ताजिश खाती हूँ, क्योंकि ताजिश कम ऑयली होता है या पता नहीं क्या सीन है, मुझे इतना लाइट फील होता है और मुझे भूख भी लग जाती है, मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ और ये इतना हैवी नहीं फील होता मुझे, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन टेस्ट के मामले में अलबेक विन करता है। तो दिस वाज अ बैटल बिटवीन अलबेक एंड ताजिश। तो मैं किसी की भी दिल आजारी नहीं करना चाहती, पता चले अलबेक वाले नाराज हो जाए और ताजिश वाले मुझे नीचे आके आप लोग कमेंट्स करें नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, मेरा दिल किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रिव्यू दूं। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को खाने के बाद किसमें ब्लॉटेड फील होता है, या आप भी मेरी तरह ताजिश खा के थोड़ा हल्का सा फील करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और फूडी व्लॉग में फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।